One, two, three, and. गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है कि आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोंगपा प्रो में। यहाँ आपको लगभग हर तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है दोस्तों। जहाँ मैं एक और कल्चरल और ट्रेडिशनल बेस्ड कंटेंट आपके सामने लाता हूँ, वहीं दूसरी ओर बेसिक लाइफ स्किल्स से रिलेटेड कंटेंट आपके सामने ला पाता हूँ। जैसे आपका किचन गार्डन हो गया, या कारपेंट्री होगी, या पेंटिंग हो गई, या आजकल मैं जो एक्टिविटीज़ मैंने शुरू करी है डेली ब्लॉग के माध्यम से, वो मेरा है फिटनेस जर्नी S40+, जो कि मैं लगभग 17 ब्लॉग्स बना चुका हूँ दोस्तों। जो मेरी आज की ब्लॉग नंबर 18 है, वो रहेगी मेरी किचन गार्डन को तैयार करना, क्योंकि ये जो किचन गार्डन है, अभी दूसरे फसल के लिए इसे तैयार करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, किचन गार्डन की सफाई की कहानी शुरू करते हैं मेरे ब्लॉग नंबर 18 से। तो चले तो दोस्तों, डालते हैं एक नज़र मेरे किचन गार्डन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, मेरे किचन गार्डन की हालत। पूरा जंगल बन चुका है। ये सरसों की फसल है, लगभग तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, करते हैं किचन गार्डन की सर्जरी शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने अपनी फसल को मोर से बचाने के लिए ये जाली का यूज किया था, इसे कर लेते हैं थोड़ा सा रिमूव। तो सबसे पहले करते हैं शुरुआत मूलियों से। दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी बड़ी मूलियां हैं, एक बार करा लेते हैं आपको दीदार। ये देखिए दोस्तों, इतना बड़ा। एक और, अरे ये तो टूट गया। दोस्तों, एक तरफ से कर लेते हैं सफाई अभियान शुरू। ये देखिए दोस्तों, एक बड़ी मूली।
अरे ये तो टूट ही गया। माय गॉड, ये तो निकल ही नहीं रहा। दोस्तों ये है तो बड़ी बलशाली, बहुत मोटी, लेकिन उतना ही सॉफ्ट। देखिए दोस्तों, कच्ची मूली बिल्कुल। ये रहा सरसों, इसे मैं कर लेता हूँ अलग। देखो तो लहसुन के पौधे कर रहा हूँ मैं कूड़ा। बढ़ते हैं अपने गार्डन के दूसरे सेगमेंट। ये रही फूल गोभी, इसमें से हम फूल गोभी खा चुके हैं। अभी बच गए इनके डंठल्स। तो फूल गोभी तो हो चुकी थी तो हमने वो खा लिए, लेकिन अभी भी ये देखे जो पत्ता गोभी है पूरी तरह तैयार नहीं हुआ, तो मैं इसे रखूँगा। दोस्तों ये रहा दोस्तों सरसों के बीज। अभी मैं इसे निकाल के ऐसे निकाल के सुखा लेता हूँ और इसको नेक्स्ट ईयर के लिए स्टोर करके रखता हूँ। दोस्तों यकीन मानिए, जो ये गार्डनिंग है, जो एक बेसिक एक्सरसाइज है, उसे उसकी कमी को पूरा कर देता है। अगर आपके पास कोई छोटा सा भी गार्डन हो तो उसमें आप एक्टिविटी कर सकते हैं, इससे आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास छोटा सा भी गार्डन हो तो उसे आप टाइम टू टाइम तैयार कीजिए। अब इसकी जो गोभियाँ थी, हमने जो लगाई थी गोभियाँ, वो तो हम खा चुके, लेकिन जो ये आपका पत्ता गोभी है वो भी तैयार नहीं, तो इसे रख लेते हैं।
और ये गोभियों को हटा दें और तैयार करते हैं नई फसल के लिए। दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जब हम छोटे थे तो गांव में होते थे और जब छोटे मोटे पहाड़ी खेतों में जाया करते थे दादा दादियों के साथ, तो उस समय जो भी खेत में काम करते थे तो नाश्ता भी हमें खेत में ही पहुँच जाता था। तो उसी का आनंद, खेत में नाश्ता करने का आनंद या प्रसाद करने का जो आनंद है वो प्राइसलेस है। आज मुझे वही फील दोबारा, आज मैं वही दोबारा फील कर पा रहा हूँ और आनंद ले रहा हूँ इस प्रसाद का। ये रहा दोस्तों सरसों के बीज यानी कि पहाड़ी राई। ये रहा दोस्तों पहाड़ी राई। अभी इसके जो बीज है इसमें इन्हें सूखने के लिए रख देते हैं।
नेक्स्ट टाइम सूखने के बाद इसे इकट्ठा करके नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेजेंट कर देते हैं। ये रहा दिया, ये गया ध्यान दो। तो दोस्तों पहले दिन की क्लीनिंग लगभग पूरी हो चुकी है। ये मूली की पत्तियाँ दोस्तों मेडिकली बेनिफिट करता है लीवर के लिए। अगर आपको जॉइंटिस हो गया हो या अगर आप चाहते हैं लीवर मजबूत रहे तो मूली तो खानी ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो हरी पत्तियाँ वो काफ़ी रेमेडियल है। तो आप इसे आलू के साथ बना सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, कोई काट छाट करने की जरूरत ही नहीं है, नीट एंड क्लीन। और मूलियां देखिए दोस्तों, बिल्कुल कच्ची। ये देखिए, हाँ ये जरूर बूढ़ा हो चुका, ये बूढ़ा हो चुका है। ये हम इसे करेंगे, इसे यूज में नहीं ला सकते। ये हो गया जी, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने प्रोसेस शुरू करी थी और पूरी कटाई छटाई के बाद दोस्तों ये हमारा गार्डन नजर आ रहा है। पुराने अगर मेरे एपिसोड आप में देखे होंगे तो मैंने इस गार्डन को तैयार करना मैं दिखाया है। आप जाके किचन गार्डन एपिसोड आउटडोर कुकिंग स्टूडियो में चेक कर सकते हैं। ये राज तो दोस्तों आज की कहानी यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नंबर 19 में। तब तक के लिए सी यू, टाटा एंड गुड बाय।